ये मेन एंट्रेंस है इसकी फ्लैट की। ये अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं और ये A2 टावर है, तो मेरे हिसाब से ये A2 308 होगा और ये A2 307 होगा शायद से। और ये इन्होंने मेन DB का लोकेशन है यहाँ पे, DB बॉक्स फिट किया हुआ है। तो अभी इन लोगों का टाइल लग चुका है और वॉल्स पे भी इन लोगों ने पुट्टी मार दी है। ये ड्राइंग एरिया है, ये यहाँ पे ओपन ही रहेगा आई गेस, ओपन ही है यहाँ पे। और ये एक रूम है और ये वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन कुछ यहाँ से आएगा नहीं वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ही आएगा, लाइट नहीं आ पाएगी। ये किचन है इनका, तो किचन में इन्होंने स्लैब डाल दिए, पत्थर लगाना बाकी है। ये किचन की बालकनी है और ये कॉमन वॉशरूम है। पाइपिंग का काम हो गया है, टाइलिंग का काम भी ऑलमोस्ट इनका वॉशरूम में डन है। ये मास्टर बेडरूम है इनका 10x12 का, ये अटैच वॉशरूम है। ये मेन बालकनी है इनकी मास्टर बेडरूम के साथ में, और सेकंड बेडरूम के साथ में जो बालकनी अटैच है ये वो बालकनी है। तो पाइपिंग सारी यहाँ से जा रही है, तो आई डाउट कि ये सब दिखेगा लास्ट में ना। इन्होंने बिल्डा की पाइप यूज़ करी है, बिल्डा एयरकॉन एरोकॉन, और टाइलिंग जो है ओरिएंट वेल की है, मैंने नीचे बॉक्स देखा था। रेलिंग इन्होंने यूज़ करी है, MS की रेलिंग है, तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी रेलिंग ने यूज़ करी है। बाकी टावर्स इनकी, ये सामने वाली टावर भी बन गई है A2 वाले के, ये रेडी है, सारा काम चल रहा है इस पर। और यहाँ पर भी टावर जो है बन रही है, स्टार्ट हो गई है, ये टावर भी स्टार्ट हो गई है बननी। सोसाइटी की एंट्रेंस वहाँ उस साइड से है, वहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है, वो जो गाड़ी खड़ी हुई है वो मेन एंट्रेंस है। ओके, दिस इज इट। डोर्स का जो चौखट है वो लोहे का यूज किया है इन्होंने, सारी चौखट जो है वो लोहे की है। ये दूसरा फ्लैट है, यहाँ पे अभी टाइल लगी नहीं है। अंदर लग गई है, ड्राइंग रूम में बाकी है।